मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार शिवसेना अपना हाथ आजमा रही है। खबरों के मुताबिक शिवसेना पूरे मध्य प्रदेश में 8 जगह पर चुनाव लड़ रही है। इंदौर की सांवेर विधानसभा से भी शिवसेना ने जगमोहन वर्मा को टिकट दिया था, लेकिन भाजपा नेता जगमोहन वर्मा दोबारा अपनी पार्टी में लौट गए, इसलिए शिवसेना को सांवेर से बिना चुनाव लड़े ही मैदान से बाहर जाना पड़ गया। बावजूद इसके राज्यसभा सांसद अनिल देसाई ने कहा है कि 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के बजाय पार्टी ने अभ्यास के तौर पर 8 सीटों पर चुनाव लड़ना तय किया है। शिवसेना ने अपने इंदौर मुख्यालय का शुभारंभ करते हुए मीडिया से चर्चा कर 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की जानकारी साझा की है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं, उसमें शिवसेना ने भी अपने प्रत्याशी लगाए। शिवसेना पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी के आदेश अनुसार यहाँ पे अभी 8 जगह पर, कुल 8 जगह पर है ना, 8 जगह पर हमारे प्रत्याशी हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा समर्थन इस बार मिले, अच्छे वोट मिले और शिवसेना का पहला विधायक मध्य प्रदेश से हो, ये उम्मीद लगाए बैठे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने जो यहाँ पे शिवसेना की नींव रखी थी, आज काफ़ी उसको समर्थन मिल रहा है। हिंदुत्व का विचार लोगों में बहुत अच्छी तरह से है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर सट के हैं, इसलिए महाराष्ट्र की संस्कृति भी अब आप देखेंगे तो जबलपुर, इंदौर वगैरह इस एरिया में काफ़ी, मुंबई महाराष्ट्र के बहुत सदियों से रहने वाले लोग यहाँ पे हैं, संस्कृति एक है। और मैं समझता हूँ पूरे, चाहे वो फिर मंदसौर हो, भोपाल हो, पूरे मध्य प्रदेश भर में एक अच्छी लहर हिंदुत्व की है और बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार हैं यहाँ के लोगों को भाते हैं और उसी को लेके हम आगे जाना चाहते हैं। अगर नहीं तो इंदौर की बात की तो नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, क्या उसमें भी शिवसेना अपनी भागीदारी दे? बिल्कुल, वो नगर निगम के चुनाव हो, नगर पालिका के हो, वहाँ पे पंचायत के हो, जिला परिषद के हो, ग्राम पंचायत हो, विधायक जो विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, हर चुनाव में शिवसेना अब आपको दिखेगी कि बहुत अच्छी तरह से पहल कर रही है, अच्छी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।